दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज 8 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट यहां पर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर होगी भर्ती, भेजा दिया जन। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए आयोग में प्रक्रिया चल रही है। UPSC से राजकीय महाविद्यालयों के लिए कुछ महीने पर 128 प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी। उन चयनितों को कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। इस भर्ती के बाद प्रदेश में 171 राजकीय स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पद खाली हैं। देखो कुछ दिन पहले 745 पदों की बात निकल के आई तो वो पदों खाली थे, लेकिन उनमें से 356 पदों का अधियाचन ही भेजा गया है आयोग को। इस वजह से 356 पदों पर फिलहाल भर्ती आने की संभावना है। आगे देखिए जानकारी मिली है कि बाकी 389 जो पद हैं उनकी सूचना हाल ही में उच्च शिक्षा निदेशालय को मिली है, इसलिए इसका जो है अधियाचन आयोग को नहीं भेजा गया है। इन रिक्त पदों का अभी अधियाचन आने वाले दिनों में भेजा जाएगा तो पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। यानी 389 पद अभी जो है निदेशालय के पास पेंडिंग है। अगर इन पदों का अधियाचन भेजा जाएगा तो पदों की संख्या लगभग 750 के आसपास हो जाएगी। फिलहाल पिछली बार 128 पदों पर ही 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था, आपकी बार यहाँ पर 356 पद हो चुके हैं और ये पदों का जो पेंडिंग है इन पदों को भी लोक सेवा आयोग को जाना चाहिए अधियाचन, ताकि पदों की संख्या बढ़ पाए। यहाँ पर देखिए बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आ गई है कि 14 सितंबर से शुरू हो सकती है बीएड की काउंसलिंग। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की अब 14 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू कर सकता है। इसके लिए शुक्रवार को BU में तकनीकी टीम के साथ बैठक होगी। इसमें काउंसलिंग शुरू करने को लेकर के चर्चा होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी किया था। शासन ने विश्वविद्यालय को 10 जुलाई से बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे, मगर 3 विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न कर पाने से काउंसलिंग फंस गई। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि आज इसमें बैठक है और 14 से काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी है। जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के बाद दस में आपको दे देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपडेट है कि BA में प्रवेश के दूसरा कट ऑफ जारी। 2023-24 के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अधिकांश कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार से प्रवेश होगा, वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA में दाखिले के लिए गुरुवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया है। इसकी काउंसलिंग शुक्रवार से यानी आज से शुरू होगी। देखो यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट आ गई है कि 10 नहीं अब 12 किलोमीटर दूर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए लागू की जाएगी व्यवस्था। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के दूरी का नियम बदल दिया गया है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में बालक परीक्षार्थियों के लिए 12 किलोमीटर तक स्कूल से केंद्र बनेंगे। पिछले साल 10 किलोमीटर दूरी तक ही केंद्र बनाए गए थे। वहीं बालिकाओं का केंद्र भी 5 की बजाय 7 किलोमीटर दूरी तक बनाए जाएंगे। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रुपेश कुमार से की ओर से 6 सितंबर को जारी के निर्धारण नीति के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं एवं दिव्यांग परीक्षार्थियों को यदि उनका स्कूल परीक्षा केंद्र बना है तो स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी, और नहीं बना है तो 7 किलोमीटर तक जो है उनको अलॉट किया जाएगा परीक्षा केंद्र। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रिटर्न में गड़बड़ी मिलने पर 22,000 करदाताओं को नोटिस। फॉर्म 16 या AIS में आंकड़े मिलान न होने पर विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। तो कुल मिलाकर के इनकम टैक्स रिटर्न में 22,000 करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। बहुत से लोग गलत फॉर्म भर देते हैं तो उनके लिए भी फिलहाल इनकम टैक्स का नोटिस आया है। यूपी बोर्ड एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण को बचे आखिरी 3 दिन। यूपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण के लिए महज 3 दिन का समय शेष है।
बोर्ड की तरफ से अग्रिम पंजीकरण के 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। विद्यालय के अपने यहाँ के छात्र छात्राओं का पंजीकरण करा करके जो है शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर रखी गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।